इन मूवीज के बच्चों वाले रोल्स को जिन एक्टर्स ने प्ले किया था, आज ये बच्चे कैसे हो गए हैं ये जानकर आप हैरान होने वाले हो। क्यों इस देश में रात के 10 बजे के बाद कोई भी टॉयलेट क्यों नहीं जा सकता? कुछ देश में ऐसे लॉज हैं जिन्हें जानकर आप वहाँ जाने का सोचोगे भी नहीं। कैसे बस 15 मिनट के लिए टीवी पर ये शो लगाने से आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा? ये कौन सा शख्स था जिसने एक कॉकरोच को, जी हाँ, एक कॉकरोच को चोरी करना सिखा दिया था? तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 17, अगर आपका भी वेट ज्यादा है तो कपिल शर्मा शो आपका वेट लॉस करा सकता है, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। नहीं, कपिल ने कोई फिटनेस शो नहीं शुरू किया, बल्कि साइंटिस्ट का कहना है कि सिर्फ 15 मिनट हंसने से आपका वेट कम हो जाता है। 2005 की एक स्टडी में पता चला कि हंसने से आपकी हार्ट बीट 10-20% बढ़ जाती है, जिससे सिर्फ 15 मिनट हंसने से लगभग 40 कैलोरीज तक बर्न हो सकती है। नंबर 16, हाँ, आप ये सुनकर सच में शॉक होने वाले हो। ये शख्स इतना इंटेलिजेंट है कि इसने कॉकरोच से स्मगलिंग करा दी। 1938 में एक शख्स को जेल हो गई थी, लेकिन उसे सिगरेट पीने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास सिगरेट होती नहीं थी और उसे अकेले एक सेल में बंद किया जाता था। तो अपने इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए उस शख्स ने एक कॉकरोच को ट्रेन किया, जो पड़ोस के कैदियों से एक मैच स्टिक और सिगरेट लाकर उस शख्स को दे देता था। लेकिन जब ये बात वार्डन को पता चली तो उसने उसे रिलीज कर दिया और कहा, जो इंसान कॉकरोच को ट्रेन कर सकता है उसकी जगह जेल में नहीं है। नंबर 15, अगर आपके पास आईफोन है तो आपको ये थोड़ा गौर से सुनना चाहिए। क्या आप जानते हो, स्टीव जॉब्स की वजह से पहले आईफोन में ऐप स्टोर नहीं था। असल में जैसा कि आप सब जानते हो, एप्पल अपने यूजर्स की प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करता है और ये सोच स्टीव जॉब्स की वजह से ही आई थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी थर्ड पार्टी डेवलपर उनके iOS के लिए ऐप बनाए, बल्कि इसकी बजाय वो सिर्फ अपने ऐप्स के वेब ब्राउजर वर्जन बनाए जो सिर्फ सफारी में चला करेंगे। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हो, ऐसा करना बहुत मुश्किल था और कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से एप्पल को अगले साल ही ऐप स्टोर लॉन्च करना पड़ा। नंबर 14, केचप साफ करने का ये तरीका आपके घंटों बचा सकता है, तो बेहतर है आप भी सीख लो। इसके लिए आपको सबसे पहले पार्चमेंट पेपर की जरूरत पड़ेगी, जो इजीली कहीं भी मिल जाता है, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह से पेपर का यूज करना है और केचप बिना कोई निशान छोड़े आसानी से आपके टेबल से जादू की तरह गायब हो जाएगा। नंबर 13, इंडिया का एक गांव दुबई से भी ज्यादा सेफ है, जहां चोरी तो क्या जरा सा सामान भी नहीं उठाया जाता। मैं बात कर रहा हूँ शनि शिगनापुर विलेज की, जहाँ पर घरों में दरवाजे ही नहीं है। इतना ही नहीं, उस जगह पर किसी भी इंसान का 400 सालों से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस जगह पर ट्रस्ट किसी बिल्डिंग से कहीं ज्यादा मजबूत है। नंबर 12, आपने डॉक्टर्स को ग्लव्स पहनते हुए देखा होगा, पर आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो इस काम को खत्म होने के बाद निकालते कैसे हैं। तो ग्लव्स को उतारने का परफेक्ट तरीका सीख लो, जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले ग्लव्स को रिस्ट के पास पकड़ना है, फिर दोनों को होल्ड करके बाहर तरफ खींचना है और आपके ग्लव्स आराम से उतर जाएंगे। शायद ये आपके काम का नहीं है, बस देखने में क्या जाता है। नंबर 11, लैपटॉप तो सबने देखा है, लेकिन क्या कभी आपने बिना स्क्रीन के लैपटॉप के बारे में सुना है? तो अगर नहीं तो ये अब रियलिटी बन चुका है। साइफुल नाम की एक कंपनी है जो फ्यूचर को प्रेजेंट में लाया है। आपने एप्पल विजन प्रो तो जरूर देखा होगा, ये लैपटॉप उसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इस लैपटॉप के साथ एक कीबोर्ड मिलता है और उसके साथ एक चश्मा, जिसे लगाकर आप अपने सारे काम प्राइवेटली कर सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। इसे पावर करने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन सेकंड प्रोसेसर भी डाला गया है, जो कि बहुत फास्ट है। नंबर 10, इस फोटो में जो लेडीज हैं, उन्हें लेडीज समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये सारे लेडीज कोई और नहीं बल्कि मेल पुलिसमैन है। लेकिन ये सब ऐसी क्यों मुजरा पार्टी में जा रहे हैं ऐसे कपड़े पहनकर? 1960 में लॉस एंजलिस में पर्स स्नैचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए इन ऑफिसर्स ने ऐसा रूप लिया था जिससे चोर आए तो पर्स पकड़ने लेकिन खुद ही पकड़ा जाए। नंबर 9, जैसे आजकल के बच्चों को हम जेन ज़ी बोलते हैं, वैसे 50 साल से ऊपर के लोग जो इंटरनेट चलाते हैं उनको भी एक नाम दिया गया है, जिसे सिल्वर सर्फर कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अंग्रेजों को आदत है हर चीज को नाम देने की, इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें एक नाम दिया है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और वो कंसिस्टेंटली इंटरनेट यूज करते हैं, उन्हें वो सिल्वर सर्फर कहते हैं। सिल्वर इसलिए क्योंकि उनके पास सिल्वर जैसे हो जाते हैं, और इंटरनेट चलाने वालों को सर्फर कहते हैं। नंबर 8, अगर आपको लगता है आप में बहुत हिम्मत है तो एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, जिसे साइलेंट हिल के नाम से जाना जाता है, जो एक खाली शहर है जिसमें 1962 से आग लगी हुई है और लोगों की आज तक हिम्मत नहीं हुई इसमें जाने की। वैसे आपका कोई दोस्त जो यहाँ जा सकता है तो इसे वीडियो जरूर शेयर करें। नंबर 7, ये है कैनन का 3-in-1 माउस, जो दिखने में किसी फोन की तरह लग रहा है, जिसमें एक माउस है, एक कैलकुलेटर है, साथ में ये कीपैड की तरह भी काम करता है, जो सच में बहुत कूल है। लेकिन ये चला क्यों नहीं, इसका रीजन तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत
बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था यूज करने के लिए, इसलिए सब चीजों को अलग अलग यूज करना ही बेहतर था, इसलिए ये ज्यादा चल नहीं पाया। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। नंबर 6, अच्छा हुआ आप कोविड के टाइम पर वियतनाम में नहीं थे, वरना आपको भी कई सालों की जेल और भारी फाइन भरना पड़ सकता था, क्योंकि ऐसा वियतनाम में बहुत लोगों के साथ किया गया था। वियतनाम में बहुत तेजी से वायरस फैल रहा था, इसलिए वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। लेकिन ली वैन ट्री नाम के एक शख्स ने बिना परमिशन के ची मिन सिटी से अपने घर काम आउट चला जाता है। लेकिन वो अकेला नहीं था, वो अपने साथ वायरस भी ले गया था, जिसकी वजह से कई लोग इन्फेक्ट हो गए, यहाँ तक कि एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जिसके लिए इस शख्स को 5 साल की जेल और 70,000 रुपए का फाइन भरना पड़ा। नंबर 5, फोन का इन्वेंशन करने वाले ग्राहम बेल को अपना नाम एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर मिला था। बर्थडे से पहले उनका नाम सिर्फ अलेक्जेंडर बेल था, लेकिन अलेक्जेंडर के 11th बर्थडे पर उनके फादर ने उन्हें अलाउ किया कि वो एक मिडिल नाम रख सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने ग्राहम को चुना, जो एक स्टूडेंट के नाम से लिया गया था। नंबर 4, इस चाइनीज शख्स का नाम कांग है, जिसने चाइना के आखिरी इंडो चाइनीज टाइगर को गायब कर दिया। लेकिन गायब किया कैसे और वो कहां गया, ये जानकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। कांग ने सबसे पहले उस टाइगर को फरवरी में देखा, उसके बाद उसने कहा था कि उसने उस टाइगर को अंधेरे में गोली मार दी, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि उसे पता नहीं था कि चाइना का लास्ट इंडो चाइनीज टाइगर है, और ये उसने अपने 4 और साथियों के साथ मिलकर ये उस टाइगर को खा गया। इस जुर्म के लिए उसे 12 साल की सजा हुई थी। नमस्ते, क्या कभी आपने सोचा है अगर इंटरनेट ना होता तो हम अपना मैसेज कैसे पहुंचाते? बहुत से लोगों ने सही सोचा होगा कि जैसे पिजन के हेल्प से भेजते थे वैसे ही भेजते होंगे, लेकिन आपको एक शॉकिंग बात पता नहीं होगी कि 2010 तक पिजन इंटरनेट से भी तेज थे, क्योंकि जिस फाइल को सेंड करने में पहले घंटों लग जाते थे वही फाइल मेमोरी कार्ड में रख कर पिजन इंटरनेट से भी ज्यादा जल्दी पहुंचा देता था। वाओ। नंबर 2, भाई आप इन कंट्रीज के लॉज को जानकर सच में हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसे भी लॉज होते हैं। आपकी एक छोटी सी आदत स्विट्जरलैंड में आपको आधी रात जेल भिजवा सकती है। स्विट्जरलैंड में ऐसा माना जाता है कि टॉयलेट फ्लश करने से नॉइज पोल्यूशन होता है, इसलिए रात 10 से लेकर सुबह 7 तक अगर आपको फ्लश करते हुए पकड़ लिया गया तो आपको जेल भी हो सकती है। सच में काफी अजीब कानून है ये। फिर जिन लोगों को सेल्फी लेने का बहुत शौक है, तो श्रीलंका आपके लिए एक बहुत बुरी जगह हो सकती है। हम सब आजकल हर चीज की सेल्फी लेते हैं, लेकिन श्रीलंका में अगर आप बुद्धा की तरफ पीट करके फोटो खिंचवाते दिखे तो इससे आपको जरूर जेल होगी, क्योंकि ऐसा करना बुद्धा के डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। पोर्चुगल में आप एक लॉ को तोड़कर भी आराम से पुलिस के सामने से जा सकते हो, लेकिन कैसे? पोर्चुगल में एक रूल है कि जिसने भी ओशन में सुसु किया है उसे सजा मिलेगी। तो भाई अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी ने ओशन में सुसु कर भी दिया तो पुलिस को कैसा पता लगेगा कि इस नीले पानी को पीला आखिर कौन कर रहा है? जेन्युइन क्वेश्चन है ये। डॉग्स ने इंसानों को काट लिया, ये तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी इंसान ने ही कुत्ते को काट लिया और वो भी एक पुलिस वाले ने? नहीं समझे? अब समझाता हूँ। ओहायो में एक चाइनीज साजिश वाला लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग कॉप्स को फुल आजादी है कुत्ते को काटने की। भाई ये लॉ मुझे लगता है कि चाइना के लोगों ने बनाकर दिया होगा। नंबर 1, आपने बचपन में बहुत सारे मूवीज देखे होंगे जिनमें कई सारे कैरेक्टर्स के रोल बच्चों ने किए हैं, जैसे कि कराटे किड वाला बच्चा। तो आज ये सब बच्चे कहाँ है? तो फर्स्ट पे आते हैं एहसास चन्ना। इस लड़के को आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे वास्तु शास्त्र, फूंक, कभी अलविदा ना कहना, माई फ्रेंड गणेशा और बहुत सारे, जिसके एक्टिंग देखकर हम सब बहुत इम्प्रेस होते थे क्योंकि ये बहुत क्यूट कैरेक्टर लगता था। लेकिन आज इसे देखकर आप शॉक हो जाओगे क्योंकि ये अब कुछ इस तरीके दिखती है। जी हाँ, ये कोई लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से हमें एक झांसे में ढाल रखा था और हमें इसका एहसास ही नहीं हुआ। फिर शाहरुख खान की मूवी कुछ कुछ होता है बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उसी के साथ फेमस हुई थी ये लड़की जिसे सब लिटिल अंजलि के नाम से जानते हैं, जिसने शाहरुख खान के डॉटर का रोल किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप कैसे दिखती है, आप ये सब जानते हो क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में तान्या का रोल किया था और स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी हिट भी हो गई थी। इनका नाम अंजलि खन्ना है। इनके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर आज ये कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर धूम 3 मूवी जो बहुत हिट हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हो उस मूवी में एक छोटे से कैरेक्टर से आमिर खान ने खुद एक्टिंग सीखी थी। आपको चाइल्ड वर्जन समीर साहिल तो याद होंगे, जिसे इस बच्चे ने प्ले किया था, जिसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि आमिर खान खुद डिसेबल वाले भाई का रोल करने के लिए इस बच्चे को देखते थे। लेकिन ये टैलेंटेड बच्चा अब कैसा दिखता है? असल में इस बच्चे का नाम है सिद्धार्थ निगम, जिसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि इन्होंने अलादीन नाम के एक सीरियल में अपना नाम बना लिया है। आज इनकी एज 23 साल की है और आज ये कुछ ऐसे दिखते हैं।
तारे जमीन के मूवी के इस मेन कैरेक्टर को आप जानते ही होंगे। यही बच्चा जिसे पढ़ाई करने के अलावा सब कुछ आता था। पर इस चीज को इस मूवी में एक्सप्लेन भी किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से। लेकिन शर्म की बात यह है हमारी सोसाइटी उसे कुछ सीखी नहीं। एनीवेज इस बच्चे का नाम है दर्शील सफारी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में बहुत कमाल की एक्टिंग की थी। लेकिन क्या आप जानते हो अभी कुछ इस तरह के दिखते हैं और आज ये 27 ईयर्स के हैं। जैकी चैन की कराटे किड मूवी तो हम सब ने एक ना एक बार जरूर देखी है क्योंकि ये टीवी पर बहुत ज्यादा आती थी और ये मूवी भी अमेजिंग थी जिसे बोर भी नहीं होते थे। जिसका मेन कैरेक्टर था ये बच्चा जिसका मूवी में नाम था ड्रे पार्कर, जिसको आप अब देख के शौक हो जाओगे और उससे ज्यादा शौक हो जाओगे ये जानकर कि ये इंसान किसका बेटा है। ये एक्टर बड़ा होकर एक रैपर सिंगर और एक्टर बन चुका है और इनके पापा का नाम है विलियम स्मिथ। जी हाँ, वही फेमस विल स्मिथ। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर स्कूल के ऐसी ऐसी चीजें हैं जो काफी अजीब रीजंस की वजह से बैन हो गए और आपको ये पता तक भी नहीं है। और ये जो फूड चैलेंजेस देखते हो इनके पीछे छुपे स्कैम को जानकर आप बहुत शौक होने वाले हो। और कैसे आप एसी चलाकर किसी भी चोर को पकड़ सकते हो वो कैसे इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को जाकर अभी दबाओ यार, बहुत मजेदार है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।